केंद्र संचार मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया बने देवदूत आदिवासी लड़के की बचाई जान। अशोकनगर जिले के मुंगावली के निर्मल सिंह आदिवासी जयपुर राजस्थान काम करने आए थे, वहां पर टाइफाइड हो गया था और आंत में छेद हो गया था। हालत बहुत नाजुक हो गई थी। वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 लाख का खर्चा बताया गया, जिसे उठाने में परिवार सक्षम नहीं था। मरीज को लेकर परिवार शिवपुरी ले आया। इसकी जानकारी लड़के के पिता कप्तान आदिवासी ने सत्येंद्र शर्मा ग्वालियर को दी। सत्येंद्र शर्मा ने तुरंत केंद्र मंत्री सिंधिया और नए सचिव श्री पुरुषोत्तम पाराशाजी को अवगत कराया। श्रीमंत सिंधिया ने अपने निज सचिव पुरुषोत्तम पाराशाजी और कलेक्टर शिवपुरी को अच्छे से इलाज करवाने का निर्देश दिया। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मरीज को तुरंत एडमिट किया। हॉस्पिटल के डीन डी परमहंस ने नाजुक हालत को देखते हुए तत्काल आवश्यक जांच कर मरीज की आंत का डीन डॉक्टर डी परमहंस और डॉक्टर संदीप शर्मा द्वारा किया गया, जिसे एनेस्थिया डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल डॉक्टर त्यागी की उपस्थिति में सफल ऑपरेशन हुआ। केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के देवदूत अवतार की चारों प्रशंसा हो रही है। भाजपा के जिला मंत्री सत्येंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्षेत्र की जनता के प्रति बहुत सजग है और हमेशा लोगों की मदद करते रहते हैं। निर्मल आदिवासी की जान श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा बचाई गई है। इससे पूर्व केदारनाथ में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकलवाया गया था। ऐसे अनेक उदाहरण है, जब भी आंचलवासियों पर विपदा आन पड़ती है तब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया देवदूत बनकर लोगों की मदद करते हैं। संवाददाता दीपक गुप्ता, निगोती पिछोर की रिपोर्ट। हुआ था आपके साथ में? मेरे साथ जो हुआ साहब, मेरा बच्चा जो है पलायन को गया था। अच्छा जी। मतलब वहाँ मजदूरी करता था 10 साल से। अब वो 10 साल से मजदूरी करता रहा, बीमार हुआ। तो बीमार होके ही बाने फिर वहाँ का आया कि इलाज होते तो हाई फाई हॉस्पिटल है, वैसी दवाई तो देते ही नहीं है। फिर जो है इलाज की तैयारी भाई, तो हालांकि जब डॉक्टर के पास गए इलाज भाव बनने कही कि 30,000 रुपये लगे, चलो 30 लग जाएँ, बस तो जाएँ अपन। फिर जो है इसके बाद में जो तैयारी ट्रीटमेंट बना के फिर भी आराम नहीं करो, तो ये घबरा के बच्चे ने फिर मुझे फ़ोन करो, पापा जो है जहाँ तो अब मुझको लगे मैं बस जाऊँ का, ऐसी ऐसी बात है। तो फिर उनके ठीक और देख ले और कही सुबह कह दी कि इलाज में इलाज हो जाएगा, 30,000 की बात हो गई है, सो गई ऑपरेशन हो जाएगा। फिर सुबह भी गए, 3 लाख की बात होने लगी। फिर मेरे दिमाग में आई, तो सचिन शर्मा जी जो है हमारे माननीय, उन मेरी याद आ गई, उनको उनके नंबर मेरे पास रहे। मैंने तत्काल सचिन शर्मा जी से संपर्क करो और मैंने कहा कि मेरे बच्चे के इस तरह से घटना हो रही है, बताइए आप मुझे, अगर बताएं आगे चल के मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कुछ नहीं है, मैं मजदूर हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे तत्काल कहा और अशोकनगर जो है उनके जो सहयोगी थे उन द्वारा मैं अशोकनगर में पहुंचा, तो वहाँ से फोन आओ, मैं गाड़ी में बैठने के तो गाड़ी में नहीं बैठा, तो भैया ने वहाँ से फ़ोन करो, पापा 6-3 लाख मांग रहे हैं, तो उनके बेटा एक काम कर तू घर ले आ। तो इतने सचिन शर्मा जी बोले मुझसे, इतनी सी बात सुन के बोले कि तुम एक काम कर भाई शिवपुरी ले आ। तो मैंने तत्काल जो और इनके ही द्वारा मैं शिवपुरी मैंने देखी नहीं थी, इनके सहयोगी ने, शर्मा जी के सहयोगियों ने मुझे जहाँ भेजा, किराव देकर भेजा, 1,000 रुपये हाथ से दिए किराव, हमारा मेरी बेटी मेरा दामाद हम वहाँ से घर से आए। और रात के मेरी बहू और जो छोटा सा बालक है जो साथ में था, और दो ढाई बजे शिवपुरी आ गए, हम 1 घंटे आ गए हम लोग। आज महाराज साहब की देन है कि आज मैं कुट कुट नमन कर रहा हूँ कि मैं हमेशा हमेशा तक मैं कभी जीवन में नहीं भूलूँगा कि आज मेरा बेटा भरजवान उन्होंने मेरे सामने वो कर दिखाओ कि मैं जीवन तक उनकी याद को नहीं भूलूंगा, मैं शर्मा जी की याद को नहीं भूलूंगा, मैं डॉक्टर साहब की याद को नहीं भूलूंगा, मैं भविष्य में मेरा ऋण ही हुआ है, मैं ऋण को नहीं। आप सभी को मेरी नमन, कोटि कोटि नमन है।